हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडो वेस्ट किचन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक अनोखी सब्जी, यानी कि तरबूज की सब्जी। तरबूज तो आप खाते ही हैं और छिलकों को हम फेंक देते हैं, तो अब मैं आज उसकी तरबूज के छिलकों की सब्जी बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने तरबूज लिया है, तरबूज को काट लिया है और उसके ये छिलके उतरे हैं ऐसे। तो आपको इन छिलकों को, ये जो पीछे का हरा भाग है, इसको छील लेना है। ये थोड़ा मोटा होता है तो इसको थोड़ा सा गहरा ही छीलें, चाकू से ये आराम से छिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे करके छील लेंगे हम सारे तरबूज के छिलकों को। तो ये मैंने छील लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े भी कर लिए हैं इसके लिए। इसके लिए हमें एक टमाटर बड़ा और एक प्याज, प्याज को भी हम काट कर बारीक बारीक टुकड़ों में कर लेंगे और टमाटर को हम काट कर पीस लेंगे। इसके लिए हमें 2-3 हरी मिर्च चाहिएंगे और कुछ मसालों की जरूरत पड़ेगी। अब ये सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया, 2 से 3 बड़े चम्मच। अब इसको बनाने के लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं। ये साबुत लाल मिर्च ली है 2 से 3, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा साबुत धनिया, थोड़ा सा मोटी सौंफ, थोड़ी सी राई, एक तेज पत्ता। तो हम इन सबको डाल देंगे इसमें। इसको ढक देंगे जिससे कि मिर्च चटके ना। अब ये मसाला हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे कटा हुआ। इसको हम कलर चेंज होने तक भूनेंगे। प्याज हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें ये टमाटर पिसा हुआ डाल देंगे और इसको तेल छोड़ने पर भूनेंगे। ये टमाटर भी हमारा भुन चुका है, अब हम गैस को थोड़ा सा सिम कर देंगे और इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसा धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 से 3 चम्मच दही डाल देंगे। तरबूज में हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत पानी होता है। अब हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसे ढक देंगे, ढककर हम इसको करीब 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे सिम पर।
अब हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। मैंने इसको 5 मिनट ढककर रखा था, फिर इसको एक बार चला दिया था और उसके बाद इसको लगभग मैंने 7 मिनट और रखा है। तो सब्जी हमारी गल चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। अब इसी में हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। बस ये सब्जी हमारी तैयार है और अब इसको हम सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।